हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 149, जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज डेट है 20 जनवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास सेकेंड के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है, तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक आपकी जो मैरीगोल्ड बुक है इंग्लिश की, उसके यूनिट 7 मेक इट शॉर्टर से लिया हुआ है। तो इसमें आपको पेज नंबर 115 से 117 पर एक पिक्चर स्टोरी दी हुई है, जिसका नाम है द माउस एंड द पेंसिल। सो गुड मॉर्निंग लवली स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। आई नो यू लाइक रीडिंग स्टोरीज, मैं जानती हूँ कि आपको स्टोरीज पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। रीड एंड एन्जॉय द स्टोरी द माउस एंड द पेंसिल फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड ऑन पेज नंबर 115। आपको अपनी मैरी गोल्ड बुक से द माउस एंड द पेंसिल स्टोरी को पढ़ना है, जिसे कि पेज नंबर 115 पर दिया हुआ है। तो इसे आप ज़रूर पढ़िएगा। नाउ लेट अस कम्प्लीट द स्टोरी ऑफ द माउस एंड द पेंसिल यूजिंग द हिंट्स गिवन एट द बॉटम ऑफ द शीट। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हमें एक स्टोरी दी हुई है जो कि माउस और पेंसिल की है, तो हम इसे कंप्लीट करेंगे। आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, तो पिक्चर्स के थ्रू आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पर नीचे हिंट बॉक्स भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। वन डे अ लिटिल डैश फाउंड अ डैश। तो एक दिन एक छोटे, यहाँ पर क्या है, माउस है, तो हम यहाँ लिखेंगे माउस। तो चलिए अब हम यहाँ माउस लिख देते हैं, MOUSE। फाउंड अ, ये किसकी पिक्चर है, वेरी नाइस, ये है पेंसिल की पिक्चर। तो आप पेंसिल को यहाँ से देखकर लिख देंगे PENCIL। तो एक दिन एक छोटे चूहे को क्या मिली, एक पेंसिल मिली। द माउस वॉज वेरी हंग्री। तो माउस क्या था, बहुत ज़्यादा हंग्री था, यानी कि बहुत ज़्यादा भूखा था। सो ही बिट द पेंसिल, तो वो पेंसिल को काटने लगा, खाने लगा। द पेंसिल रिक्वेस्टेड द डैश। यहाँ पर किसकी पिक्चर बनी है बच्चों, माउस की, तो आप यहाँ लिख देंगे माउस, MOUSE। सो द पेंसिल रिक्वेस्टेड द माउस टू लेट इट ड्रॉ वन लास्ट पिक्चर फॉर हिम। तो पेंसिल ने माउस से ये रिक्वेस्ट की कि वो उसके लिए एक लास्ट पिक्चर बनाना चाहती है, है ना। पेंसिल से हम क्या करते हैं, लिखते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं। सो पेंसिल ने माउस से रिक्वेस्ट की, ही एग्रीड, और वो जो चूहा था, माउस था, वो उसकी बात मान गया। सो इट स्टार्टेड ड्राइंग द पिक्चर यूजिंग द डैश लाइन्स, डैश एंड डैश शेप्स। तो बच्चों अब माउस ने क्या किया, माउस पेंसिल से पिक्चर को बनाने लगा। तो आइए देखते हैं कि उसने पिक्चर बनाने के लिए क्या क्या यूज़ किया, कौन कौन सी शेप्स को यूज़ किया। तो ये सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एक लाइन है, लेकिन एक किस तरह की लाइन है बच्चों, ये है कर्व्ड लाइन। कौन सी लाइन है, कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन कौन सी होती है, जो कि घुमावदार होती है, ठीक है, कैसी होती है, घुमावदार होती है। ओके, तो हम यहाँ लिख देंगे कर्व्ड, तो ये हो जाएगा CURVED, कर्व्ड लाइंस। और उसके बाद उसने और कौन सी शेप यूज़ की, वेरी नाइस, उसने यूज़ की सर्कल की शेप। तो सर्कल हम यहाँ से देखकर लिख देंगे, सर्कल यानी कि गोला। तो चलिए सर्कल लिखते हैं, CIRCLE, सर्कल। एंड डैश शेप्स, और ये वाली कौन सी शेप है, बिल्कुल सही, ये है ट्राइंगल। क्या है, ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज। तो चलिए अब हम यहाँ पर ट्राइंगल लिख देते हैं, TRIANGLE, ट्राइंगल। ही बिकेम डैश टू सी दैट डैश। तो
अब वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, बताइए यहाँ पर किसकी पिक्चर बनी हुई है, हैप्पी फेस की। तो जब वो पिक्चर बना रहा था तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया, यानी कि खुश हो गया, तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे हैप्पी, एच ए पी पी वाई, हैप्पी। टू सी दैट द डैश, किसे देखकर, पेंसिल को देखकर, पी ई एन सी आई एल, पेंसिल। और पेंसिल को देखकर वो क्यों खुश हुआ, बिकॉज इट वॉज ड्राइंग समथिंग टू ईट फॉर हिम, क्योंकि जो पेंसिल थी वो उसके लिए कुछ खाने के लिए बनाने वाली थी, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। फर्स्ट ही थॉट इट वॉज ड्राइंग अ डैश, तो पहले उसने सोचा कि वो जो पेंसिल है वो उसके लिए क्या बना रही है, एक, ये पिक्चर किसकी है बच्चों, वेरी नाइस, ये पिक्चर है चीज़ की। तो उसने पहले सोचा कि वो जो पेंसिल है वो उसके लिए चीज़ बना रही है, तो चलिए हम यहाँ लिख देंगे चीज़, सी एच डबल ई एस ई, चीज़, ओके। देन एन डैश, और फिर उसे लगा कि वो पेंसिल उसके लिए क्या बना रही है, एप्पल बना रही है, ये पिक्चर किसकी है, एप्पल की, तो हम यहाँ लिख देंगे एप्पल। तो ये है आपका एप्पल, ए पी पी एल ई, एप्पल। एंड आफ्टर दैट डैश, उसके बाद उसने सोचा कि वो पेंसिल उसके लिए बना रही है, ये किसकी पिक्चर है बच्चों, क्यूकम्बर की। तो उसे लगा कि अब वो पेंसिल उसके लिए क्यूकम्बर यानी कि खीरा बनाने वाली है ना। तो स्पेलिंग है सी यू सी यू एम बी ई आर एस, क्यूकम्बर्स, ठीक है। तो इसे आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, आगे देखते हैं। ही स्टार्टेड लिकिंग हिज डैश, यहाँ पर किसकी पिक्चर है बच्चों, लिप्स की। तो अब उस चूहे ने क्या किया, अब उसने अपने लिप्स को लिक करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि अपने लिप्स के चारों तरफ अपनी जीभ घुमाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे बहुत भूख लग रही थी। सो ही स्क्वीक्ड इन फियर आफ्टर सीइंग द फाइनल पिक्चर, और वो एकदम से जब उसने उस फाइनल पिक्चर को देखा जो कि उस पेंसिल ने बनाई थी, तो वो बहुत ज़्यादा स्क्विक्ड, स्क्विक्ड का मतलब है कि वो चू चू करने लगा। ही क्राइड आउट इन टेरर, और वो टेरर मतलब होता है डर, तो वो डर की वजह से चिल्लाने लगा, आप जानते हैं क्यों, बिकॉज इट इज़ अ रियल डैश, क्योंकि वो क्या थी, वो फाइनल पिक्चर थी एक कैट की यानी कि एक बिल्ली की। और आप सभी जानते हैं कि जो माउस होता है वो बिल्ली से कितना ज़्यादा डरता है, तो यहाँ पर आ जाएगा कैट, ओके। और उसके बाद उसने क्या कहा चिल्लाते हुए, हेल्प यानी कि मदद, मेरी मदद करो। तो बच्चों ये जो थ्री ब्लैंक्स हैं इन्हें आपको पिक्चर को देखकर खुद से भरना होगा, तो इन्हें आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।